माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और जिनको सुनने के लिए आप लोग इतने धैर्य से इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, बेचैन हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, अपने आशीर्वचनों से हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बोले भारत माता की। आवाज आखिरी तक के आना चाहिए। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। मंच में उपस्थित हमार प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ मंत्री हमार मंत्रिमंडल के आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, बहुत ही सम्मानी आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, भाई सी डहरिया जी, बहन रश्मि ठाकुर जी, भाई शैलेश पांडे जी, भाई अरुण चौहान जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, रामाधार जी कश्यप, कमला मनहर जी, विजय केसरवानी जी, प्रमोद नायक जी, अर्जुन तिवारी जी, भाई रामशरण यादव जी, महापौर भाई राजेंद्र साहू जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अभय नारायण जी, शेख नजरुद्दीन जी, आशीष सिंह ठाकुर जी, वाणी राव जी, अनिल टाह जी, दिलीप लहरिया जी, विभोर सिंह जी, सियाराम कौशिक जी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, जगदीश सिंह मक्कड़ जी, राजेश पांडे जी, इनक्लीड मैकलाउड जी, उत्तम वासदेव जी, सीमा पांडे जी, कृष्ण कुमार यादव जी, नरेंद्र बोलर जी, महेश दुबे जी, विष्णु यादव जी, विवेक वाजपेयी जी और सबो उपस्थित सब अधिकारी मन, साथ ही बिलासपुर जिला के कोना कोना से आए सबो हमर सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन और पत्रकार संगवारी मन और सबो सियान मन और सब संगवारी मन, समय काफी हो चुके हैं, बहुत से विस्तार से बात किए गए हैं, बहुत ज्यादा बात न करते हुए सबसे पहले नवा साल के आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और नवा साल के बधाई के साथ साथ 500 करोड़ से अधिक के राशि के भूमि पूजन और शिलान्यास उकरो आप सब ला बधाई। आज छत्तीसगढ़ में जिन कोरोना के बाद और कोरोना काल में जिन तकलीफ हुई उस समय सब जन मिलजुल के लड़ेन, उमें मंत्रिमंडल के साथी मन, विधायक मन, नगरी निकाय के सब साथी मन, पंचायती राज के सब साथी मन, समाज के सब सियान मन, नौजवान साथी मन, हमार सब राजनीतिक दल के हमार संगठन के सब साथी मन, सब मिल के लड़ेस आज कोरोना ला काफी कुछ सीमित करे में सफल हुए, तेकर बर आप सब ला हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन बात मैं रखना चाहता हूँ। और बात बहुत ज्यादा नहीं है, बात अबके है जिन बात ताम्रध्वज भैया की, जिन बात चौबे जी की, जिन सी डहरिया जी की है, वो बात का है कि विकास के पैमाना का, तो हमार दृष्टि में जिन पुरखा मन एमर बैठे है, रामाधार कश्यप जी बैठे है, चंद्राकर जी बैठे है, कमला मनहर जी बैठे है, ये सब सियान मन छत्तीसगढ़ के, वो समय जब सियान मन लड़ाई लड़ते थे मन नौजवान रिस, और छत्तीसगढ़ के जब सपना देखे गए रिसे, वो सपना ये रिसे कि छत्तीसगढ़ राज बनाए, छत्तीसगढ़िया मन के राज आए, और छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर आदिवासी अनुसूचित जाति के यहाँ के नर नारी सब खुशहाल हो, ये सपना हमार सियान मन देखे रही से, तेला हमन हम पहली दिन ही जेन दिन हमार सरकार बनी तेन दिन पूरा करे शुरुआत करें, और में सबसे पहली ऋण माफी और 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी के, और जब हमन हा
धान खरीदेन तो लोगन मन के जे हमेशा किसान मन ऋण में दबे रहा है वो उऋण हो गए। खूब आशीर्वाद हमर किसान मन देश और परिवार के मन देश। और छत्तीसगढ़ में स्थिति का बनीस कि छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की दुकान में भीड़, कपड़ा लत्ता की दुकान में भीड़, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के दुकान मन में भीड़, अतका मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर बिकीस कि सप्लायर मन सप्लाई नहीं कर सकत रिस। तो अतेक ज्यादा व्यापारी मन लभी व्यापार करे का अवसर मिलीस। ये एक फैसला जे में किसान मन है जे मन है पुराना सेकंड हैंड से काम चला दी से नवा एक और वो कंपनी वाला सब चीज मतलब ले शुरुआत करीस। ये पहला शुरुआत हमर मन के कि किसान मन समृद्ध होए। भारत सरकार के इस के ते बोनस देबे तो तुर धान तुर चाउर ला नहीं खरीदन तो पिछले साल भी समर्थन मूल्य में खरीदेन, ये साल भी समर्थन मूल्य में हमन खरीदा थन। लेकिन फिर भी कहा थे ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे था तेन बोनस के रूप अरे मैं कहे भाई ते किसान सम्मान निधि दे सका था और मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं दे सकूं, ये कौन से न्याय के बात हुई। और ये बात में चाहे भारत सरकार हमारे चाउर खरीदे मत खरीदे लेकिन हम जनता जन वादा करें वो हम पूरा करबो। आज किसान लड़ाई लड़ा थे अपन हक का अधिकार पर और छत्तीसगढ़ में जब अधिकार मिले है तो छीनना चाहते, ये बहुत गलत बात। लेकिन हम दूसरा योजना लाएं, वो दूसरा योजना का है गोबर खरीदे के। पिछले दो साल में तो धान बेच के मोटरसाइकिल कार और ट्रैक्टर खरीदे रही से, ये गोधन न्याय योजना लाएं तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदे थे। गांव आप पता कर लो आपे के बिलासपुर में भी आप देखो यहाँ के जो नौजवान साथी मन भी, मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जवान साथी मन भी गोबर बेच के अभी ताम्रा ध्वज भैया जैन बात कहादरी से कि मोटरसाइकिल ओकरो क्षेत्र में खरीदे, अभी हमारे रायगढ़ में आए कि तो गोधन न्याय योजना बहुत बढ़िया भैया, हमू मन गाय खरीद ले हन काबर की गोबर के पैसा से चारा खर्चा निकल जाते, दूध के पैसा पूरा बांचा थे, हमू मन गाय खरीदे। तुम्हारे बिल्हा जनपद में लोकेश कुमार नौजवान जिन एक अभी पांचे महीना में 1,97,000 के गोबर बेची और में पल्सर गाड़ी खरीदे और ओकरे साथ साथ HF वेराइटी के गाय भी खरीदे है। तो पहली योजना धान खरीदे के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के फायदा का हुई। भाजपा के शासन काल में रमन सिंह के शासन काल में 15 लाख किसान मन खेती करत रही से और हमर जब योजना लागू हुई तो 21.5 लाख किसान खेती करे शुरू कर लीजिए। 2 साल में किसान मन के संख्या 1.5 गुना बढ़ गए। रमन सिंह के राज में गरवा मन सड़क में किनरत रही से, खेत खार चरी चरागन करत रही से। हम गोधन न्याय योजना लागू करें, गौठान करें, अब गांव घर घर में अब गरवा बंधाए के शुरू हो गए, गौ माता के सेवा शुरू हो गए। हमर राज में धान बेच के ट्रैक्टर खरीदत रही से, मोटरसाइकिल खरीदत रही से, अब तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल और गाय खरीदे शुरू हो। एक से बड़े बात और दूसर नहीं हो सके। समृद्धि के ये रास्ता, स्वावलंबन के रास्ता जिनका उठान महात्मा गांधी जी सपना देखे रही से ओला पूरा करे काम आज हम कर। स्वावलंबन के बात हो थे आज गांव में, बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कहा। विधायक जी कुछ मांग रखे, वो रखे सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम लजन पहली विधायक री से डॉक्टर सी दुलारे मिस ओकर नाम से सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम और दूसरा तार बहार जन शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल है ओला शेख गफ्फार जी के नाम से रखे जाए। और सौभाग्य कतेक अच्छा जैन
शेख गफार जिस सेवा के नाम से हम सब जानत रहे, कोई भी आदमी बिलासपुर ल कभी रात के हो, बिकाल हो, कभी दिन के हो, कभी भी हो, यदि कोई समस्या ग्रस्त है, यदि शेख गफार कर पहुंच गया तो समझ ले उसका समस्या के निदान हो जाते, उसका इलाज हो जाए। 24 घंटा सेवा में अपन जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के नाम आज उसका सौभाग्य से जयंती भी है। और इस जयंती के अवसर में जनतार बहारा शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल है तेकर नाम करे के घोषणा में करत हूं। साथ ही अरपा नदी के बारे में, अरपा से हम सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अरपा पहली अंता सलीला के नाम से जाने जाए, लेकिन हमारे मन के संकल्प है ये जो नदी है तेन अंता सलीला नहीं होना चाहिए। 12 महीना पानी बहत रहा है, ओकर जिम्मेदारी हम सब ले हन। और ओकर बर जन आज भूमि पूजन हुए शिव घाट बैराज के, पचरी घाट के, ये लगभग 100 करोड़ के भूमि पूजन हो है, तो मैं समझता हूँ वो दिशा में हमार सरकार बढ़ा थे। और एक बार मैं निश्चित रूप से यहाँ के बिलासपुर वासी मन बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ। बिलासपुर के बहुत पुराना मांग, बिलासपुर भी एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट पर भी हम अपन तरफ से बहुत उदारता पूर्वक राशि दे रहे हैं। अभी 2CVR श्रेणी के उन्नयन करके 3CVFR श्रेणी लाइसेंस के लिए अप्लाई हमन कर देन, हमार तरफ से कोई प्रक्रिया बांचे नहीं है। भारत सरकार के तरफ से ये अब निरीक्षण लाइसेंस दे जाही अपेक्षित है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बार बिलासपुर आए और बिलासा के नाम से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जात्री से ये जिन एयरपोर्ट है तेन बिलासा भाई केवटीन के नाम से रखे जाही, कावर के नगरील बिलासा भाई बसा है ओकर नाम से ये एयरपोर्ट रखे की भी मैं घोषणा करत हूँ। साथ ही ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सरकार है तेन आपके सरकार है, हम सब के सरकार है, हम सब ल छत्तीसगढ़ मातारी के सेवा करना है। हम छत्तीसगढ़ मातारी के बेटा हरन, बेटा बेटी हरन, महू किसाना बेटा हूँ। अभी शैलेश पांडे को राजा हो जा कहा था, हमन नहीं भाई, हमन किसान आदमी हैं और किसाने रहान दे हमर। मैं आपके विश्वास दिलाना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ महतारी के किसना बेटा होए के नाते कि छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा में हमर मंत्रिमंडल के साथ ही हमर सब सहयोगी सब साथी मन बैठे ओकर मन के माध्यम से विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि बिलासपुर सहित पूरा छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नयन और 2,80,00,000 जनता के सेवा में 24 घंटा तत्पर है और विकास के नया आयाम हम स्थापित करबो। यही बात कहते हुए पुनः आप सब नवा बछर के बधाई देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेम और आपके आशीर्वाद के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए एक बार फिर बिलासपुर आपका बहुत बहुत आभारी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदयों से निवेदन करता हूं कि कुछ हितग्राहियों को चेक का वितरण किया जाना, कृपया स्वीकृता करेंगे हितग्राही। सबसे पहले श्रम विभाग, श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत 1,00,000 के चेक है। 3 हितग्राही है, शिव कुमारी कैंबट, जिगन पटेल और लव सिंह गौड़। शिव कुमारी कैंबट, जिगन पटेल और लव सिंह गौड़ कृपया स्वीकृता करेंगे, तीनों हितग्राही एक साथ आएंगे। श्रम विभाग योजना में 12 हितग्राहियों को मृत्यु उपरांत 12,00,000 का वितरण किया गया था, किया जा रहा है। डेमो के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में 3 चेक यहां पर वितरित किए जा रहे हैं श्रम विभाग की ओर से। इसके पश्चात आदिवासी विकास विभाग तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ अपृश्यता निवारण अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना अंतर्गत संतु सोनवानी, पूनम गुजरतिया और सुरेश पाटले 1,00,000 के चेक इनको प्रदान किए जा रहे हैं, कृपया स्वीकृता से मंच पे आएंगे आदिवासी विकास विभाग के लिए। और उसी विभाग से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अंतर्गत राहत जो है इसके बाद तैयार रहेंगे रेतु नेताम, कुमारी पूजा रत्नाकर को 3,00,000 रुपए के चेक प्रदाय किए जाएंगे। रेवती नेताम और कुमारी पूजा रत्नाकर को 3,00,000 के चेक हैं। अंतर्व्यवसायी सहकारी विभाग की ओर से
अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना अंतर्गत श्री प्रताप सिंह वाकरे को 1,00,000 का चेक है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत कुमारी रूपमती पोर्ते को 1,00,000 का चेक और जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना अंतर्गत ईश्वरी बघेल को 1,00,000 का चेक किराना मनिहारी दुकान के लिए प्रदाय किया गया है। और अंत में कृषि विभाग की ओर से जिला खनिज न्यास निधि श्री रामेश्वर मरकाम और रामफल राज बैटरी चलित हस्त स्पेयर के लिए शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आभार के लिए बुला लो एडीएम सब। और कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर श्री बीएस वीके जी से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन। आज के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बिलासपुर जिले में उपस्थित होकर करोड़ों की सौगात दिया। साथ ही मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय मंत्री गण का, माननीय विधायक गण का एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ।